वेलकम टू माई YouTube चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे हरूफ हैं वो हैं हे और फे। पहला मुहावरा है हर्फ आना। हर्फ आना मतलब बदनामी होना। ऐसा काम ना करो कि बुजुर्गों पर हर्फ आए या इनके नाम को धब्बा लगे। अगला है हवास बाख्ता होना। हवास बाख्ता होना यानी घबरा जाना। खतरे के वक्त हवास बाख्ता नहीं होना चाहिए। खातिर में ना लाना, परवाह ना करना। जलील इतना खुद पसंद है कि वो किसी को खातिर में ही नहीं लाता। खुदा लगती कहना, इंसाफ की बात कहना। मैं तो खुदा लगती कहूँगा, कसूर आपका ही है, अक्रम गरीब तो ख्वाम खा जुर्माना हुआ। खफीफ होना, खफीफ होना यानी शर्मिंदा होना। जब इसकी गलत बयानी का पर्दाफाश हुआ तो वो बहुत खफीफ हुआ, वो बहुत शर्मिंदा हुआ। खाका उड़ाना, रुस्वा करना या मजाक उड़ाना। बचपन में हमारी एक नादानी ये थी कि हम उस्तादों का खाका उड़ाया करते थे। नेक्स्ट है खाक छानना। खाक छानना बहुत जुस्तजू करना। खाक छानने का शौक खौफ व खतर पर गालिब रहना चाहिए। खातिर जमा रखना, मुतमईन रहना। खातिर जमा रखिए, मैं तमाम बंदोबस्त कर लूँगा, मतलब आप मुतमईन रहिए, मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगा। खून सफ़ेद होना, बेमुरव्वत हो जाना। क्या ज़माना आ गया है, अजीज़ों और रिश्तेदारों का भी खून सफ़ेद हो गया है। खमियाजा भुगतना, किसी गलती के बदले नुकसान उठाना। आप ये काम ना करें, आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खून के घूंट पीना, गम और गुस्सा बर्दाश्त करना। पहले आप अहले दिल इस बेपरवी करते रहे कि वो मगर खून के घूंट पी जाते थे कि उनका बस नहीं चलता था। खबर गर्म होना, चर्चा होना। ये खबर गर्म है कि कल पूरे मुल्क में तातील होगी।